ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज आपको दर्शन कराऊंगी दुनिया की सबसे बड़े शिवलिंग, जो स्वयंभू शिवलिंग है, जहां पर शिव के परम भक्त लंकापति रावण ने सबसे पहले पूजा की शुरुआत की थी। और जिस मंदिर पर वो पवित्र स्वयंभू और दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, उस मंदिर का नाम है लंकेश्वर धाम। और लंकेश्वर धाम स्थित है असम गुवाहाटी वेस्ट जालुकबारी में, और मंदिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल नज़दीक में लोकेटेड है। मान्यता है कि असम यानी प्राचीन कामरूप के साथ लंकापति रावण का बहुत ही खास रिश्ता था, क्योंकि माना जाता है कि रावण ने प्राचीन कामरूप के तंत्र विद्या से ही इंद्रजाल, मायाजाल तथा ब्रह्मजाल जैसे विद्या को सीखा था। कहा जाता है कि त्रेता युग में लंकापति रावण कामरूप आए थे, तभी शिवजी के परम भक्त रावण को इसी स्थान पर एक बृहद आकार का स्वयंभू शिवलिंग होने का एहसास हुआ। ये मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर अवस्थित है और मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 400 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के जाना होता है। पवित्र सावन महीने में और शिवरात्रि में भक्तों की बड़ी भीड़ होती है यहाँ। इस मंदिर के शिवलिंग अभिषेक का भी बहुत ही महत्व है, क्योंकि महादेव आज भी यहाँ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान है। लंकेश्वर धाम बहुत ही खास है। इस मंदिर पर आने वाले हर भक्त ने महादेव को बहुत ही नजदीकी से महसूस की है। साथ ही साथ मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण को जब इसी स्थान पर इसी स्वयंभू शिवलिंग का होने का एहसास हुआ, तभी रावण ने इसी स्थान पर अपना घोर तपस्या शुरू कर दी। और रावण के घोर तपस्या से खुश होकर महादेव ने खुद यही प्रकट होके रावण को आशीष दिया कि इसी स्थान पर हमेशा के लिए दोनों का नाम एक ही साथ लिया जाएगा और ये मंदिर लंकेश्वर धाम के नाम से हमेशा के लिए जाना जाएगा। कहा जाता है कि लंकेश्वर धाम के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई लोग यहाँ अपनी मन्नतें भी मांगने आते हैं और कहा भी जाता है कि हर मनोकामना, हर इच्छा शिवजी यहाँ पूर्ण करते हैं। ये सुंदर सा लंकेश्वर धाम जिस स्थान पर स्थित है, उसी स्थान पर एक बहुत ही प्यारा सा शनि देव का भी मंदिर है, और शनि मंदिर के ऊपर ही एक बजरंग बली का भी मंदिर है, और बजरंग बली की मूर्ति भी यहाँ बहुत ही बड़े आकृति में स्थापित की गई है। ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव कमेंट में लिखकर शिव जी की महिमा करना बिल्कुल ना भूलिए। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।